आप लोगों से बहुत से लोग ऐसे भी जो सोच रहे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने के बाद क्या चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो कि मेरे चैनल पर अभी एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है, तो आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएगा सक्सेसफुली। मगर यहाँ पर आपको एक साल के अंदर लीगल तरीके से यूट्यूब का जो भी रिक्वायर्ड है उसको पूरा करना पड़ेगा, जैसे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, और अगर आप 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर देते हो तो आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा भाई, लेकिन ये आता क्यों है, ठीक है, इसको भी तो समझना जरूरी है ना। तो ये इसलिए आता ना, यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ के भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, यहाँ पे आप खुद से भी पढ़ लेना। अगर आपको कॉपीराइट की शिकायत मिली है तो इसका मतलब है कि कॉपीराइट के मालिक ने वीडियो हटाने का ठोस और मान्य कानूनी अनुरोध सबमिट किया है, ठीक है, ऐसा उसने कॉपीराइट किए गए अपने कंटेंट का बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर किया है, ठीक है। जब हमें इस तरह की औपचारिक सूचना मिलती है, मतलब यूट्यूब को, तो हम कॉपीराइट कानूनी के तहत आपका वीडियो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये यूट्यूब बता रहा है, तो मैं सबसे पहले गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है भाई, जो भी मुझे मतलब लगता है कि जानना चाहिए, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे बड़े बड़े जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस वगैरह को देखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो को बनाता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर कौन सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और आप अपना ख्याल रखें, और नीचे सब्सक्राइब करने का जो बटन है उस पर मारिए बूम, और वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा और उसके ऊपर आपको प्रेस करना जरूरी है, अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हो रेगुलर तो, ठीक है, मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, मिलते हैं फिर कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और आप अपना ख्याल रखें।